एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज मॉर्निंग से मैं थोड़ा लो फील कर रही थी बिकॉज आज मैं अपनी होम टाउन छोड़ के गुवाहाटी वापस जा रही हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना सुपर एक्साइटेड रहती हूँ, लेकिन यहाँ से जब जाती हूँ तो थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ मैं। एनीवेज जाना तो पड़ेगा ही बिकॉज भापे भी हम लोग का अपार्टमेंट खाली है, तो अभी भापे जाना पड़ेगा। और मम्मी और पापा जो है इस बार हम लोगों के साथ नहीं जा पाएंगे बिकॉज हम लोग को ऊपर में जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसीलिए मम्मी पापा भी यहाँ पे रहेंगे और मैं और दी जो है हम लोग गुवाहाटी वापस जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जब भी आती हूँ ना बहुत सारा काम जो है गुवाहाटी में पेंडिंग रह जाता है, तो अभी गुवाहाटी जाके सब जो पेंडिंग काम है वो भी करना पड़ेगा। तो बुरा तो लगता ही है लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जाना तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए आज जा रही हूँ। मम्मी भी इस मॉर्निंग से थोड़ा अपसेट है बिकॉज इतना दिन सब लोग मिलके एक साथ थी, हम लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड टाइम स्पेंड किए फैमिली के सब लोग मिलके। और मैं जब यहाँ पे आई ना सिर्फ एक ही दिन मैंने ब्लॉग बनाया और उसके बाद ना मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैंने सोचा कि मैं इतना दिन बाद यहाँ पे आई ना तो पूरा टाइम जो है मैंने अपना मैक्सिमम टाइम मैंने अपना फैमिली लोगों के साथ सबके साथ जो है स्पेंड किया, बहुत ही गुड टाइम स्पेंड किया सब लोगों ने मिलके। तो अभी जो है अभी हम लोग निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद। और हम लोगों का जो गुवाहाटी टू लामडिंग का जो डिस्टेंस है, मतलब लामडिंग टू गुवाहाटी का, ज्यादा भी टाइम नहीं लगता है, 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे हम लोग गुवाहाटी। तो अभी सब कुछ थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, पैकिंग तो उतना नहीं है सिर्फ एक ही बैग है, तो फिर भी थोड़ा सब कुछ चेक कर लेती हूँ सब कुछ लिया है या नहीं, उसके बाद निकल जाएंगे। अभी निकल रही हूँ तो पापा को एक बार बोल देती हूँ, पापा आशी। तो पापा भापे एक्चुअली लंच किया है अभी अभी, तो पापा फेस वॉश कर रहा है, तो निकल जाती हूँ अभी, नहीं तो लेट हो जाएगा आने के टाइम में। एक्चुअली ट्रेन छूट गया था मेरा, तो अभी थोड़ा जल्दी निकलना है। सब कुछ ले लिया है, अभी निकल जाती हूँ। मम्मी शायद नीचे है तो अभी ज्यादा लेट नहीं करेंगे, मम्मी भी यहाँ पे है तो जा रहे हैं अभी। अच्छा लेट हो चुका है तो इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बाय बाय। अच्छा सर आना, मम्मी को थोड़ा बुरा लग रहा है अभी हम लोग जा रहे हैं ना इसलिए। मैं अभी गुवाहाटी में हूँ, मैं कल लामडिंग से गुवाहाटी आके पहुंच गई थी, लेकिन कल ना मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज घर में आने के बाद घर का हालत इतना खराब था, फिर मैं और दी ने मिलकर पूरा घर का साफ सफाई किया और उसके बाद डिनर करके सो गई, एनर्जी नहीं था ब्लॉग को कंटिन्यू करने का, इसलिए आज सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। और आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सब काम कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज आज इवनिंग को थोड़ा प्लानिंग है सुमित के साथ बाहर जाने का, एक्चुअली इतना दिन बाद आया तो मिलना भी है उसके साथ, तो इसलिए थोड़ा प्लानिंग है, पता नहीं कहाँ जाएंगे लेकिन इवनिंग को थोड़ा बाहर जाएंगे, इसलिए मैंने अभी लंच बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी किचन में जाती हूँ, किचन में जाके लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने यहाँ पे लंच बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, राइस जो है मेरा कुक हो रहा है और यहाँ पे फिश फ्राई हो रहा है। एक्चुअली आज लंच में एकदम सिंपल सा मेनू है, दाल राइस और फिश फ्राई। तो इवनिंग को तो बाहर जाएंगे, बाहर जाके कुछ खाएंगे, इसलिए आज सिंपल सा मेनू है एकदम। तो अभी लंच जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। गई थी ना इसलिए मैंने जल्दी से फ्रेश होके खाना कंप्लीट कर लिया है, मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है अभी। तो मैं अभी किचन में आई हूँ, यूटेंसिल्स वॉश करना है, ज्यादा तो काम नहीं है, अभी यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद फिर थोड़ी सी रेस्ट लूंगी, तो अभी जल्दी से यूटेंसिल्स जो है वो वॉश कर लेती हूँ। दोपहर में लंच के बाद मैं इतना ज्यादा टायर्ड थी ना, तो थोड़ी रेस्ट ले रही थी लेकिन कब आग लग गया पता ही नहीं चला, उसके बाद सो गई थी। और इवनिंग में सुमित का कॉल आने के बाद जल्दी जल्दी से रेडी भी हो चुकी हूँ और सुमित भी आ चुका है। मैं तो इतना दिन बाद उसे देखने के बाद इतना एक्साइटेड हूँ ना, ज्यादा एक्साइटेड में हूँ, नहीं झूठ बोल रहा है ये, इसका तो अभी मतलब ये इतना दुखी है ना, इसका फ्रीडम खत्म हो चुका है, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसका फ्रीडम खत्म हो चुका है ना, इतना दिन फ्री बर्थ था, अभी फिर से उसे तंग करूंगी तो कहा फ्रीडम खत्म, इसलिए तो बोला चलो निकलते हैं आज। अभी हम लोग कैफे में जा रहे हैं कुछ खाना है, बहुत दिन बाद कैफे जा रहे हैं, एक्चुअली रेस्टोरेंट ऐसे जाते हैं लेकिन कैफे जब हम लोगों का मतलब जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में डेट करते हैं तब जाते थे और आज फिर से जा रहे हैं, तो वो सब मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलो ये कब से गुस्सा कर रहा था मेरे साथ, लेट हो रहा है तो अभी ज्यादा लेट नहीं करूंगी, तो चलो अभी ओके लेट्स गो।
घर से तो निकल गए हम दोनों कैफे जाने के लिए, लेकिन हम लोग अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन से कैफे में जाना है। सुमित यहाँ पे रास्ते पे चेक कर रहा है कहाँ पे जाएगा। इतना कैफे जा चुका है ना हम लोग, इतना कैफे ऑलमोस्ट सब कैफे हम लोग का ट्राई कर लिया है हम दोनों ने, तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कहाँ पे जाएंगे। डिसाइडेड तो उसने डिसाइड कर लिया, पता नहीं देखते हैं कहाँ पे लेके जाता है। चलो फाइनली सुमित मुझे आज लेके आया कैफे कर्मा में। मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तभी अंदर जाएंगे तो मैं एक्चुअली सुमित को बोल रही थी ब्लॉग करने के लिए, ये नहीं करेगा, इतना शाही है ना, कभी ब्लॉग में आता ही नहीं है, सिर्फ कैमरा होल्ड करता है। तो चलो अंदर सर। हो गया डिसाइड? अभी तक नहीं। स्प्रिंग रोल और बर्गर। बर्गर तो लेना ही है। हाँ। स्प्रिंग रोल साथ में, क्या साथ में स्प्रिंग रोल क्या लो, स्प्रिंग रोल या हनी चिली पोटैटो भी है, पोटैटो नहीं खाना है ना? नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग रोल ये भी है, पेरी पेरी कॉटेज चीज स्प्रिंग रोल। बाय द वे कैसा लगा ये कैफे? बाहर जाके बात करते हैं, बहुत लाउड साउंड है, बाद में बताते हैं। हो गया तुम्हारे मुंह से ज्यादा बड़ा हो गया। How's the taste? हम लोगों का हो चुका है, अभी कैफे से बाहर आ गए, अभी घर जाएंगे। बातें करते करते कब दोनों घर पहुंच गए ना, टाइम का पता ही नहीं चला। एक्चुअली आने के टाइम में ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली पहले जब हम दोनों जब स्टार्टिंग में हम लोग का रिलेशनशिप में ना हम लोग इतना नहीं मिल पाते थे, वो सुमित जो है ऑफिस में बिजी रहता था और मैं अपनी कॉलेज में बिजी रहती थी, तो इसीलिए उतना मीट नहीं हो पाता था हम लोग का। सिर्फ संडे हम लोग मीट करते थे और मुझे याद है 2 hours or 3 hours के लिए सिर्फ मीट करते थे, है ना। और ये जो है ना सैटरडे हमेशा प्लान करता था कहाँ पे लेके जाएगा मुझे, कौन सा कैफे में लेके जाना है, लेकिन अभी एकदम ऑपोजिट। हाँ अभी एकदम ऑपोजिट, अभी नहीं प्लान करता है। आज तो किया बिकॉज आज मैं इतना दिन बाद वापस आई ना, इसलिए आज लेके गया, लेकिन ऐसे नहीं करता है। तो पता है ये तो स्टार्टिंग ऑफ द चेंजेस है, बाद में तो और भी चेंजेस आएगा, तो उसे मैं ब्लेम नहीं करती हूँ, तो ठीक है। हाँ हाँ बस सबने बताया था ऐसा चेंजेस तो आता है, अभी मैं लाइव देखती हूँ। ठीक है ऐसा चेंजेस आ रहा है तुमने, जो भी हो। इसे ना मैंने कैमरा ऑन करने से पहले इतना कन्विंस किया कि तुम भी कुछ कैमरा में बताना, जब भी मैं कैमरा ऑन करूंगी कुछ बताना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। ये जो है ना कैमरा में आने के लिए एकदम रेडी नहीं हो रहा है। क्या काम कर रहे हो? मेरा काम नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट कर रहा है। ओ हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो हम लोग इंस्टा आईडी भी मेंशन कर देंगे, वहां पे आप लोग जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। तो और आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है, अभी जो है ना अभी हम लोग रेगुलर ब्लॉग पोस्ट करेंगे बिकॉज पूजा सीजन है, फेस्टिव वाइब्स है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्लॉग को छोड़ने से पहले। और आज का ब्लॉग जो है यहाँ पे एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।